पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैं चली जाऊंगी परसों यहां से भी और तेरी जिंदगी से भी। सब अपने लैपटॉप मंगाया था। रख दो जो। पता था सही थी मैं। पापा इस बच्चे की खातिर मैं चली जाऊंगी यहां से। सबसे दूर रहना पड़े रह लूंगी हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के। बस पापा इस बच्चे को ना इस बच्चे को आर्या जैसा बचपन नहीं मिलना चाहिए। क्या के साथ जिंदगी ना बिता पाने का गम भी सह लूंगी। सब इस बच्चे की खातिर। बच्चे की धड़कन 5 हफ्ते से पहले समझ में नहीं आती। मतलब ये बच्चा 3 हफ्ते का नहीं है। कस्तूरी की नजर से कुछ नहीं बचता। तभी मैं सोचूं सीढ़ी से गिरने के बाद भी ये लड़की अपनी सोनोग्राफी करवाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। मतलब ये बच्चा 3 हफ्ते का नहीं है। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ये बच्चा कम से कम 2 महीने का होना चाहिए। इसका मतलब सही झूठ बोल रही है। हे देवा ये बच्चा एकलव्य का नहीं है। जई झूठ क्यों बोल रही है। जई तो एकलव्य और उसकी शादी से पहले से प्रेग्नेंट है। एकलव्य को अंधेरे में रखा होगा जई ने। जई और एकलव्य एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो उसने मान लिया होगा। उसे पता चला तो हे देवा बहुत झमेला आई। पीटर्स 3 हफ्ते का है बिल्कुल नॉर्मल और तंदुरुस्त। क्या हुआ कस्तूरी काकी आप इतना डर क्यों हुई। आपका चेहरा उतर गया पूरा। सब ठीक है। हाँ वो नींद नहीं आ रही थी। मैं ग्रीन टी बना दूँ आपके लिए। नहीं अब अभी नहीं बेटा। चलिए ना बना देती हूँ। इसी बहाने आपसे थोड़ी देर बात कर लूंगी आपके साथ बैठ लूंगी। कल तो मैं वैसे भी चली जाऊंगी ना। अगर सही सच छुपा रही है तो वो तुम्हारी और एकलव्य की जिंदगी बर्बाद कर रही है आर्या।
चल पिला अपनी ग्रीन टी। एक बेड पे सोने में अभी बेश हो ऐसे। सही, थोड़ा टाइम तो था मुझे। आई एम हियर फॉर यू ओनली। सही, मुझे ये रिश्ता निभाने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ भी बोलो है क्या, आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरह से तुमने उस कमीनी आर्या को निकाला है ना, बड़ा मजा आ गया। कल जा रही है वो फाइनली हमारी लाइफ से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। कॉल कर रहे हैं? मैं एक्या के साथ रूम में हूं, अगर उसे पता चल गया कि आपने मुझे कॉल किया है तो। नहीं नहीं, हाँ मैं जानती हूं कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। इनफैक्ट आपकी मदद के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। वैसे भी आपके अलावा मेरा कोई है ही कौन। देखिए मैं तुरंत में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझ पे भरोसा रखिए, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। आर्या कल घर से निकलने वाली है, वो भी एकदम अकेले, जैसा हमने सोचा था। कोई भी नहीं होगा उसे बचाने वाला। टाइम टू टेक इट ऑल बैक अगेन। उस दिन उसे दवाई देने में गलती कैसे हो गई तुझसे? सच कहूं काकी, मैं खुद नहीं जानती। मुझे बिल्कुल सही तरीके से पता है, मैंने उसे वही दवाइयाँ दी जो मेडिकल से आई थी, और मैंने मेडिकल वाले को कॉल किया था दोबारा कंफर्म करने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो ये सब खुद कर रही है। मैंने उस दिन जब वो सीढ़ियों से गिर गई थी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। पता नहीं क्यों वो सामने आकर मुझसे झगड़ा करने लगी, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरे यहाँ पे अपने नाखून चुभाए, तो मैंने बस उसका हाथ झटका था। मैंने सच में उसे धक्का नहीं मारा था, उसका गिरना पॉसिबल नहीं था। पर पता नहीं वो कैसे गिर गई और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है ये सिर्फ मेरे दिमाग का कोई तो ख्याल है, भ्रम हो सकता है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को खुद थोड़ी ना हार्म करना चाहेगी। जही है वो, बाजी पलटने के लिए कई बार खुद की जान खतरे में डाल चुकी है, कुछ भी कर सकती है जही। एक्चुअली ना काकी, आपको पता है क्या हुआ है? उसके दिल दिमाग में ये बात घर कर गई है कि मैं उसे हार्म करना चाहती हूँ। ऐसा है नहीं, पर खैर अब जो है वो है। सच ये है कि उसके और एक्या की शादी हो चुकी है, उसके पेट में एक्या का बच्चा है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी ना काकी, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। पता है, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, हमेशा गलत किया तेरे साथ। मैं जितनी बार भी तुझसे माफी मांगू, जितनी बार भी तेरे आगे नाक रगड़ू ना, मेरा किया वो सही नहीं हो सकता। लेकिन अब समय पश्चाताप का है, तू जाना चाहती है ना, जा, तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन अभी मत जा। सही समय आने पर जा रहे, अभी मत जा, थोड़ा विश्वास रख, करने दे मुझे जो मैं कर रही हूं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।